PakWheels.com, Pakistan's number one marketplace for buying and selling of cars, bikes and auto parts. अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्हील्स के एक और अपडेट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं इसमें हम सोनाटा 8 जनरेशन जो है हुंडई ने लाहौर में जो एक्सपो में लगा हुआ है पाकिस्तान ऑटो शोज़ पे इन्होंने आज अनवील किया ये गाड़ी और हमारे साथ हुंडई के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम कोशिश करेंगे इसका आपके लिए फर्स्ट लुक एक रिव्यू लेके आएँ और आपको बताएँ कि इस गाड़ी में क्या क्या है। तो ये 8 जनरेशन है और इसकी जो इंजन पावर है 2500 cc है। जी बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट इसकी 2500 cc है। ठीक है, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है ये। सही है। नाउ अगेन जो सोनाटा हमने बेसिकली यहाँ डिस्प्ले पर डाली है, दिस इज फॉर द पब्लिक टू सी के हुंडई की जो डिज़ाइनिंग फिलॉसफी है, जो कार की डायरेक्शन, जो ब्रांड डायरेक्शन है, जो इसको इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा इसकी सिग्निफिकेंट परसेंटेज है इसको एज देने की, ताकि पाकिस्तानी पब्लिक खुद एक्सपीरियंस करे कि कोरियन ब्रांड कितने आगे आ चुके हैं। क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट टाइम जब हुंडई पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा था, इट वाज आई थिंक मैक्सिमम टिल 2008, जब लोकल बिजनेस पार्टनर बैंकक्रप्ट हुआ था। तो अगेन दिस इज फॉर शोकेसिंग एज ऑफ नाउ। सही है। सो पहले सेंटर फे के साथ भी आप लोग शोकेस तो कर चुके हैं, लोगों को ये बता चुके हैं कि ब्रांड जो है उसकी प्रेजेंस शो कर सकें। सो इज एनी, इसके बारे में अगर हम फ्यूचर के लिए देखें तो पाकिस्तान में ये गाड़ी लॉन्च की जाएगी कि नहीं? वेल दिस इज अ कंपनीज ओन thinking wo kya exactly product portfolio finalize karti hai, but near future mein we should expect this car to be here in Pakistan or not? You can, but again the official announcement jo company ki taraf se hogi wo di jayegi most probably after this year, agar aap kyunki humne do passenger cars Tucson ke baad to launch karni hai, that is within this year, by maximum till June 2021. theek hai, to ye information to it's open out, to do passenger cars to hum bilkul launch karenge crossover SUV Tucson ke baad. ab unme se wo definitely perhaps ye bhi ho sakti hai, perhaps koi aur हो सकती हैं। तो स्टिल जो बॉटम लाइन है वो ये है कि पब्लिक डेफिनेटली कुछ बहुत एक्साइटिंग एक्सपेक्ट कर सकती है। ठीक है, अब हम इस गाड़ी के वॉक अराउंड को कर रहे हैं, तो इसकी थोड़े जो बेसिक फीचर है अगर हमारी उनको बताना चाहें यूजर्स को, तो क्या क्या है? एक तो इसका जो खूबसूरत LED डिस्प्ले नजर आया जिस स्पीडोमीटर का, ये जो है इसमें क्या है, इसमें एंड्रॉइड है, एयरप्ले है, क्या क्या ऑप्शन? एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, थोड़ा सा मैं टेक्निकल ब्रीफ के लिए चलूं, वो इनिशियली मिस हो गई थी। 2.5 लीटर इसका पेट्रोल इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड, तो उसके अलावा ये 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। सही है, तो ये बेसिकली इसका पावर ट्रेन कवर करता है। जहाँ तक आप बात करेंगे इंटीरियर में हम बैठे हुए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या एग्जैक्टली बहुत फ्यूचरिस्टिक है, खासतौर पे जिसका गियर नॉब है ये बड़ा स्टाइलिश है, मतलब एवेंटर डॉग की मुझे एकदम याद आई इसको देख के, इसके स्विचेस वगैरह, क्लाइमेट कंट्रोल, एवरीथिंग इज वेरी गुड इसका। खासतौर पर मीटर बहुत अच्छा है, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कंट्रोल अच्छे हैं, प्लस सनरूफ काफ़ी पैनोरामिक व्यू रूफ है। सो मेरे ख्याल है अगर कंपैटर में देखा जाए तो इस लीक की अगर गाड़ी होगी तो टोयोटा कैमरे है या हुंडई एकॉर्ड है? जी बिल्कुल, दोनों कार्स हैं। अगेन दिस इज अ मिड साइज सेडान सेगमेंट, मिड साइज क्लास। सो ग्लोबली बेसिकली सोनाटा जो कंपीट करती है एकॉर्ड से और कैमरी से। एकॉर्ड और कैमरी से, बिल्कुल सच है। अब जिस कार में हम बैठे हैं, अगर हम फॉर एग्जाम्पल कन्वीनियंस की बात करें, जो भी इसमें असिस्टेंस फीचर्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि इसकी जो सीट्स हैं ये जेन्युइन लेदर हैं। ठीक है, ये नापा लेदर कहलाती हैं, जो कि मोस्टली प्रीमियम हाई एंड व्हीकल्स में भी एज एन ऑप्शनल आइटम उसके उस सेगमेंट के कस्टमर्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आप इसकी कंफर्ट लेवल बहुत एक्सेप्शनल फील कर रहे होंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि डुअल टोन इसका इंटीरियर है, पूरा ओवरऑल लाइट ब्राउन है, बेज और डार्क ब्राउन के अंदर इसका कॉम्बिनेशन। दोनों अगली सीट इलेक्ट्रिक है। जी बिल्कुल सही। जहाँ तक स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हैं, ये योक डिजाइन है। सही, अगर मैं आपको वैसे एक फन फैक्ट दे सकूँ, तो जो एयरक्राफ्ट्स के एरोप्लेन्स के जो स्टीयरिंग होते हैं, दे आर समवट ऑफ अ योक शेप एज वेल, उसको आप चेक कर सकते हैं। सो मर्सिडीज की अगर आप W222 देखें तो उसके भी डिजाइन फीचर में है। मुझे इसके अलावा स्टीयरिंग कंट्रोल भी नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर मल्टीफंक्शन पैडल शिफ्टर्स भी हैं, क्रूज कंट्रोल पैडल शिफ्टर्स हैं। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है 12-inch डिस्प्ले है, इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है दिस इज 8-inch, अगेन इसमें 10.25-inch भी आता है, दैट इज ऑप्शनल। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, वायरलेस फोन चार्जर है। उसके अलावा अगर हम फॉर एग्जाम्पल सेफ्टी फीचर्स की बात करेंगे, तो इसमें पार्किंग सेंसर्स फ्रंट एंड रियर बोथ हैं। सही, इसमें रिवर्सिंग कैमरा भी है। इसका इवन जो पार्किंग सेंसर है ये आपको डिपिक्ट कर सकता है कि आपके ऑटो पार्क की ऑप्शन है वो एग्जैक्टली कितना ऑब्जेक्ट के क्लोज है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ डिस्ट्रॉनिक के साथ है, बेसिकली वो आपको बता रहे हैं कितना डिस्टेंस है उसमें। जी बिल्कुल, तो इसमें रेड, अगेन रेड जोन बेसिकली सिग्निफाइंग कि ऑब्जेक्ट इज टू मच क्लोज,
येलो है एंड द ग्रीन के इट्स एम्पल अवे. तो अगेन ड्राइवर के लिए एक डिपिक्शन आ जाती है पिक्चर में ऑन द इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्ट एक्जैक्टली कितना दूर है. पैनोरामिक सनरूफ ऑब्वियसली अ बिग कन्वीनियंस फीचर इन दिस कार एज वेल. और इसके अलावा ये कि इसमें ड्राइविंग मोड्स हैं, सेपरेट ड्राइविंग मोड आप कस्टम खुद भी बिल्ड कर सकते हैं. हाँ, वो मैं भी देख रहा हूँ. स्पोर्ट्स करेंगे तो रेड हो जाएगा. तो इसकी हॉर्स पावर कितने गाड़ी की? इस कार की हॉर्स पावर अबाउट 177 है. 177 और 232 न्यूटन मीटर टॉर्क है, व्हिच इज क्वाइट एम्पल. हां बिल्कुल. अगर आप ऑब्वियसली नॉर्मल क्रूजिंग के लिए कर रहे हैं. इंटरनेशनली जस्ट रिसेंटली Hyundai Sonata को गुड डिजाइन अवार्ड भी मिला है. तो ऑब्वियसली इसकी जो स्टाइलिंग जो एक्सटीरियर है, 8th जनरेशन को मैं भी कल भी पढ़ रहा था इसके ऊपर ग्लोबली के इसकी जो शेप है उसको बड़ा रिकॉग्निशन मिली है कि ये बड़ी स्पोर्टी स्पेस है. जहाँ तक डिजाइनिंग की अगेन बात करें तो इसमें मेन ब्रेक थ्रू ये है कि फ्रंट की जो डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं वो बेसिकली ग्रेडेशन हिडन लाइटिंग हम इसको इंटरनली कहला रहे हैं. क्योंकि उसकी रीजन ये है कि अगर मैं हेडलाइट्स इसकी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है ना, लेट्स से अगर कार स्विच्ड ऑफ है तो वो आपको क्रोम का पूरा एक पीस लगेगा. बिल्कुल ठीक है, क्रोम लेयरिंग है. वेयर एज उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ एक्चुअली माइक्रो होल्स हैं जो कि लाइटिंग को जब आप कार स्टार्ट करते हैं तो आती है. दैट इज वेरी यूनिक. उसके अलावा ये कि वो इवन बोनट तक डे टाइम रनिंग लाइट्स रन अप करती हैं. कार का शॉर्ट ओवरहैंग है. उसके अलावा ये गाड़ी पिछली वाली जनरेशन से एक्चुअली हाइट में भी थोड़ी सी कम है, विथ में ज़्यादा है, व्हील बेस में भी ज़्यादा है, ओवरऑल लेंथ में भी ज़्यादा है. तो अगेन इसका आपका आउटकम क्या मिलता है कि एक बहुत स्पोर्टी मिड साइज सेडान विद अ कूप लाइक फीचर. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. नहीं, इसकी जो फीचर्स हैं अगर उसके इंटरनल फीचर को देखें, मेरा ख्याल है कंपेटिटर की किसी भी गाड़ी के साथ एट पार है. और डिज़ाइनिंग अगेन इज़ वेरी गुड. तो वी होप सो कि अगर ये पाकिस्तान मार्केट में आती है तो इंशाल्लाह ताला कस्टमर जो है उसको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देंगे. बट अगेन डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आती है और किस प्राइस ब्रैकेट में आती है. बट एनी हाउ थैंक यू फॉर दिस फीडबैक जी, आपने हमें इसके बारे में थोड़ा वॉक अराउंड दिया. हम कोशिश करते हैं कि अपने यूज़र के लिए तमाम इन्फॉर्मेशन जो है टाइमली लेके आते रहें. तो ये था एक वॉक अराउंड वीडियो ऑफ Hyundai Sonata 8th जनरेशन. होप आपको पसंद आई है. अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे. आपसे अभी अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी. तब तक अपना और अपने कितने वाकलों का ख्याल रखिएगा. शुक्रिया.